तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काउंटर वॉश बेसिन है जो आज इसको फिटिंग करने वाले हैं। इसमें कौन सा मटेरियल लगता है, कौन सा नल लगता है, और इसमें बॉटल ट्रैप भी लगाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गर्म पानी दोनों इसमें इनबिल्ट है। इस नल में दो पाइप कनेक्ट होगा। चलिए आगे दिखाते हैं कौन सा पाइप इसमें कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर हमारा काउंटर बेसिन लगेगा। वॉश बेसिन में जो फिटिंग्स लगेगा, जैसे नल हो गया, बॉटल ट्रैप हो गया, टेफ्लॉन टेप हो गया, ये सब है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये बॉटल ट्रैप है। वेस्ट पाइप के जगह में बॉटल ट्रैप लगाएंगे, इससे हमारा पानी बाहर निकलेगा बेसिन का। और उसके बाद ये डब्बा में पिलर कॉक है, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गर्म पानी दोनों इसमें आएगा। इससे आप मिक्स करके निकाल सकते हैं, ठंडा चाहिए ठंडा निकाल सकते हैं, गर्म लाइन वाला पानी चाहिए तो गर्म लाइन का ही निकाल सकते हैं। तीन सिस्टम इसमें रहता है। और इसके साथ दो कनेक्शन पाइप भी रहता है, और इसका फिटिंग्स है, टाइट करने वाला वाशर है, बोल्ट है, सब इसके साथ कंपनी देती है जो जो इसमें फिटिंग होता है। ये रबड़ वाशर और ब्रास वाशर प्लस बोल्ट नल को फिटिंग करने के लिए बेसिन में। और इसके नीचे कनेक्शन पाइप है, दो पीस रहता है, एक ठंडा लाइन के लिए और एक गर्म लाइन के लिए, जो हमारा पिलर कोक के साथ आता है। जब भी आप हॉट एंड कोल्ड का पिलर कोक लेने जाएंगे तो कंपनी उसमें दो पाइप देती है, कनेक्शन पाइप बोलते हैं, हाफ इंच का है और लंबाई 1.5 फीट का है। और पिलर कोक की साइज 6 इंची है। तो हमारा ये बेसिन फिट हो गया फ्रेंड्स, टाइल्स मिस्त्री यहाँ पर फिटिंग कर दिए हैं। अब इसमें हमारा बारी आता है फिटिंग करने का, नल कैसे नल फिटिंग होगा। पूरी अच्छी तरह से कर दिया है, सिर्फ साइड का पॉलिश करना बाकी रह गया है, इसमें पॉलिश नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि थोड़ा सा वाइट सीमेंट को मिला लेंगे, और उसके बाद जो वॉश बेसिन का जो बीच में छेदा है वहाँ पर वेस्ट कपलिंग लगेगा। तो उसके लिए देखिए, एक डब्बा में वेस्ट कपलिंग है, उसको निकाल लेते हैं, और उसको निकाल के इसमें वाइट सीमेंट लगाएंगे। वाशर और हमारा ये नट बेसिन के नीचे से लगेगा। वाशर जो है फ्रेंड्स, रबड़ का वाशर है, तो दोनों को निकाल लेते हैं और उसके बाद वाइट सीमेंट लगा देंगे। बहुत लोग लुब्रिकेंट भी लगा देते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में भविष्य में निकालने में बहुत दिक्कत होता है। वाइट सीमेंट लगाएं, मेरा सजेशन यही है कि वाइट सीमेंट लगाएं, अच्छा रहता है। और इसके बाद नीचे से वाशर लगा देंगे, वाशर लगा के नट से पूरा टाइट कर देंगे। वाशर लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर वाशर नहीं लगाइएगा फ्रेंड तो वो हमारा टाइट नहीं होगा। धीरे 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 क्या होता है कि वो लूज हो जाता है, तो इसलिए जब भी लगाएं तो वाशर के साथ लगाएं। वाशर और नट वेस्ट कपलिंग के साथ आता है। अब इसको रेंच से टाइट कर देंगे। तो वेस्ट कपलिंग हमारा पूरी अच्छी तरह से फिट हो गया है, टाइट कर दिए हैं। अब बारी आता है नल को लगाना। तो देखिए, नल के साथ दो कनेक्शन पाइप बताए थे, ये कनेक्शन पाइप हाथ से ही लग जाता है, रेंच से लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें थ्रेड सिस्टम रहता है, दो घाट बना हुआ रहता है दोनों पाइप के लिए, चूड़ी टाइप का रहता है। तो दोनों पाइप को इसमें फिट कर देंगे नल में,
और उसके बाद एक रिंग टाइप का रहता है, उसको लगा लेंगे लुक के लिए, ताकि लुक अच्छा लगे। फिर इसमें एक इसको बेसिन में जो फिट होगा टाइट करेंगे, उसके लिए एक पतला बोल्ट रहता है, बोल्ट को इसमें लगाएंगे। उसी में नट भी रहता है, तो पहले इसमें बोल्ट को फिट कर लेंगे। एक घाट बना हुआ रहता है इसका भी, बोल्ट का भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको बोल्ट को लगा लेंगे। यह हमारा इधर कंप्लीट हो गया है, बेसिन में फिटिंग होने के लिए रेडी हो गया है। तो दोनों पाइप को इस छेदा के द्वारा से नीचे कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से फिट कर लेंगे, बैठा लेंगे। और नीचे से वाशर जो है, एक रबड़ का वाशर है, देखिए एक रबड़ का और एक ब्रास वाशर है, दोनों को लगा लेंगे। उसके बाद बोल्ट को लगा देंगे, नट को लगा देंगे बोल्ट में। तो हमारा ये देखिए लगा दिए हैं, लगाने के बाद इसको रेंच से टाइट कर दे रहे हैं, फुल टाइट कर दे रहे हैं, ताकि जब भी ऑन ऑफ हो तो ढीला ना हो, लूज ना हो। और टाइट करना बहुत ज़रूरी है, फुल टाइट कर दिए हैं। अब एक ज़रा सा भी नहीं हिलेगा ये। अब इसमें बारी आता है कनेक्शन पाइप को कनेक्ट करना। देखिए ये हमारा दो कनेक्शन पाइप है, एक हॉट लाइन में कनेक्ट होगा और एक कोल्ड लाइन में कनेक्ट होगा। दोनों में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर बोतल ट्रैप को लगाएंगे, जो बीच में हमारा जो एग्रीकल्चर पाइप दिख रहा है, जो हमारा 1.25 इंच का पाइप हो, तो उसमें हमारा बोतल ट्रैप कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हमारा दोनों पाइप कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए बोतल ट्रैप को कनेक्शन करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था फ्रेंड्स, बोतल ट्रैप को कनेक्शन करने में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, चलिए आगे बताते हैं। तो ये हमारा बोतल ट्रैप है जो निकाल लिए हैं, अब इसमें फिटिंग करेंगे। इस बोतल ट्रैप को एग्रीकल्चर पाइप में कनेक्ट करेंगे। इस बोतल ट्रैप को लगाने से आपका स्मेल नहीं आएगा बेसिन में। नैनी ट्रैप के जैसा पानी जिस तरह स्टोर हो रहता है, उस तरह इसमें भी स्टोर रहता है, ताकि वाश बेसिन में स्मेल ना आवे, कोई तरह का गंध ना आवे। तो ये हमारा लंबा वाला पाइप जो है वेस्ट कपलिंग में कनेक्ट होगा। दो पाइप रहता है, एक छोटा सा, एक लंबा वाला, और एक बीच में जो रहेगा जिसमें हमारा नैनी ट्रैप के जैसा पानी जो स्टोर होगा वो कनेक्ट होगा, एल टाइप का। ये हमारा एल टाइप का है, इसी में पानी स्टोर होता है। जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, सभी जगह वाशर लगा हुआ रहता है, ताकि पानी हमारा लीकेज ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बोतल ट्रैप को लगाने के बाद देखिए इसका जो आउटलेट है बोतल ट्रैप का, वो हमारा एग्रीकल्चर पाइप से 2 इंची ऊपर हो जा रहा है। यही प्रॉब्लम था। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि वेस्ट कपलिंग जो हम लगाए वो छोटा लग गया मेरा। देखिए 2 इंची ऊपर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको वेस्ट कपलिंग को लंबा वाला लगाएंगे, लॉन्ग वेस्ट कपलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको चेंज कर दिए हैं, वेस्ट कपलिंग लंबा वाला लगा दिए हैं। जो बेसिन में हम शुरुआत में लगाए थे वाइट सीमेंट लगा के, वो छोटा था, तो उसको चेंज करके लंबा वाला मंगवा के लगा लिए हैं। उसके बाद फिर से बोतल ट्रैप को लगा दे रहे हैं। अब ये हमारा पूरा साइज में आ जा रहा है। वेस्ट कपलिंग हमारा छोटा में ही लग जाता फ्रेंड्स, लेकिन क्या हुआ कि टाइल्स मिस्त्री जो काउंटर बेसिंग जो लगाया, वो 2 इंची वो ऊपर कर दिया। वो पहले क्या था कि पार्टी का
प्लानिंग था कि टेबल टॉप लगाएंगे, तो टेबल टॉप का पहले यहाँ लगा हुआ था काउंटर, फिर उसको हटा के काउंटर वॉश बेसिन लगाया गया। फिर कोई बात नहीं, चलेगा। शॉर्ट कैप वेस्ट कैपनिंग को खोल के लॉन्ग वेस्ट कैपनिंग लगा दिए। देखिए इस तरह से खुल जाता है। इसमें इसका नीचे मतलब ढक्कन सिस्टम रहता है, अगर इसमें जब भी कचरा वगैरह फंस जाए तो नीचे से खोल सकते हैं आप। पानी इसमें स्टोर रहता है, तो ये हमारा इस तरह से फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बॉटल ट्रैप पीवीसी में भी आता है, प्लास्टिक का भी। ये हमारा ब्रास बॉटल ट्रैप है और एक पीवीसी बॉटल ट्रैप भी आता है, जैसा आप चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ लगा दिए हैं, बॉटल ट्रैप को भी लगा दिए हैं, नल को फिट हो गया, ये हमारा पानी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से फिटिंग किया जाता है फ्रेंड्स। आई होप कि मेरा वॉश बेसिन लगाना पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।